दिया कभी कभी मैं तो लौट बोल गई केस पे चिट्टे दा मित्र रात नु कैद बोल गई केस
हाँ दोस्तों, आप सबको पता है ये है हमारा कम्युनिटी, ये है हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी। आप सब मतलब कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रॉफी मांगते हैं और ट्रॉफी के साथ साथ वो प्रोस्टिट्यूट भी करते हैं। ये तो हमारा सरकार या हमारा समाज का मैं दोष देती हूँ, है ना। अगर पहले से ही अगर एक्सेप्टेंस होता, एजुकेशन होता एक ट्रांसजेंडर के पास या किन्नर के पास या मेन स्ट्रीम में पहले ही होता हो, या इक्वालिटी सब सही समान समझते सभ्य समाज, तभी वो किन्नर जरूर कामयाब होता या ट्रांसजेंडर एक अपनी भारत के साथ जो भारतवासियों के साथ मिलके कंधे पे कंधे मिला के चलता। देखिए यही है हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी। तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे होंगे जो भीख मांगते हुए या टोल टैक्स में या ट्रैफिक में आप भीख मांगते हुए देखते होंगे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को। मगर मैं ये कहती हूँ कि उनका भी मजबूरी है, मगर कुछ लोग इस मजबूरी को बिजनेस बना लिए और कुछ लोग अभी सरकार भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स को लेके और ट्रांसजेंडर्स की उनके हक को लेके उनके राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मगर थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए, जो भी जो राइट्स है या जो भी जो बातें हैं जैसी उनका जो भी जो हक है जो नीड्स है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है ना। आप ही सब बताइए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आप सब देखे होंगे ट्रेन में आ जाते हैं, ट्रेन में आके बहुत डिमांड करते आप सबसे पैसे, अगर नहीं दिए तो वल्गैरिटी फैलाते नंगे हो जाते हैं। तो ये हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी उसका विरोध करता है, ऐसे किन्नरों का विरोध करता है जो नंगे होते हैं, पब्लिक प्लेस नहीं देखते, जनरल प्लेस नहीं देखते, जहाँ स्कूल बच्चे जहाँ घूमते फिरते वहाँ नहीं देखते तो वहाँ नेकेड हो जाते, न्यूड हो जाते हैं। मगर फिर भी मैं आप सबको एक बात समझाऊंगी, हमारी कम्युनिटी हमेशा ये सब बातों का विरोध करते आ रही है और आते ही रहेगा, क्योंकि अगर सरकार जल्दी से जल्दी सोचेंगे ऐसे बच्चों को बिजनेस करे या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब दिया जाए, है ना, उनके जो अकॉर्डिंग उनका जो एजुकेशन है, और बहुत सारे बच्चे अगर एजुकेशन से छूट गए तो वो लोग दोबारा कंटिन्यू कर सके। यहाँ कोई जीवन नहीं है, ये मंगलमुखी मंडल है, ये किन्नर समाज है, यहाँ कोई जीवन नहीं है। आप क्यों भीख मांगते हो, आप क्यों अपने प्रोस्टिट्यूट करना, आप अपने हक सड्डा हक इतने रख बोल के आप जीत करके क्यों नहीं बैठते, अपने माँ बाप से अपने पेरेंट्स से जीत करके क्यों नहीं बैठ जाते वही नहीं मैं यही रहूंगी। हाँ आप कुछ लोग ट्रांसजेंडर्स के दिल और दिमाग में ये आ रही होगी काजल मंगलमुखी फिर क्या कर रहे हैं यहाँ, मगर काजल मंगलमुखी आज की नहीं आई हुई है कम्युनिटी के अंदर, 30-35 साल मुझे इस कम्युनिटी को देखते हुए हो रही मुझे। मगर फिर भी मैं यहाँ रहने के बावजूद भी मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में मैं अवेयरनेस करने का सेंसिटाइज करना और काउंसलिंग करना तो ट्रांसजेंडर्स को राइट्स को लेके या किन्नरों के हक को लेके ये सब के बारे में हमेशा मैं अपने एक्टिव रहती हूँ, मैं अपनी कारा में ये समझती हूँ। मगर मैं आजकल की जो यूथ जनरेशन है जो हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनको बस यही हाथ जोड़ के विनती है, तो और सरकार से भी यही हाथ जोड़ के विनती है उन बच्चों का जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जो पढ़े लिखे उनको जल्दी से जल्दी जो उनका जो इनकम सोर्स के जरिया बनाया जाए सरकार, यही सोचती हूँ। ये हमारा परंपरा है, परंपरा के सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम दुआ देते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारा अपने बच्चे वालों के लिए, दिल से ही दुआ देंगे, मगर इसको क्यों हम बिजनेस बनाना है ना, कल्चर को कल्चर ही रहने दिया जाए, मेरा ये कहना है दोस्तों। आप सबको कैसा लगता है मेरा बातें सुन के प्लीज़ आप सब बताना, और आप सब प्लीज़ बुरा नहीं माना, आपका कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, मैं बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि मैं एक किन्नर समुदाय के लिए मंगलमुखी समुदाय के लिए जितना हो सके उतना मैं अपने दिल से काम कर रही हूँ।
तो उसमें बिजी रहती हूँ। आप सब बुरा नहीं माना, मगर मंगलमुखी का जो आशीर्वाद है दिल से, वो सच्चे मन से हमेशा आप सबके साथ और आप सबके परिवार के साथ रहेगी। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके गलत तरीके से भी तंग करते हैं, सब करते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूंगी कि मालिक उनको भी सद्बुद्धि दे, है ना, क्योंकि मंगलमुखी आप सबके घरों की आंगन की तुलसी है ना, वो सबके लिए दुआ करेगी। ओके, कैसे, अपनी मन से, श्रद्धा से, भावना से प्यार करेगी और दुआ देगी। आइए आज सनाम के अंदर जो रोटी हो रही है, रोटी फेस्टिवल का जो गड़ा गड़ोली कहते, जो हमारा परंपरा में, उसमें हम सब शामिल होंगे। आइए, जो इसमें एक ग्रूम बनता है, एक ब्राइड बनती है, वो भी किन्नर है, ग्रूम भी किन्नर है, ब्राइड भी किन्नर है, मतलब कपल दोनों किन्नर है, वो ग्रूम और ब्राइड बन के, तो पूरा दुनिया में के लिए अमन चमन शांति, इंसानियत के लिए और जोड़ी सलामत रहे सबका। क्योंकि आजकल आप सबको पता है जो कपल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग लाइव नहीं हो रही है ना, अंडरस्टैंडिंग लाइव नहीं है। प्लीज आप सबसे आज जोड़ के विनती करती हूँ और पूरा मंगलमुखी मंडल यही दुआ करती है कि सच्चे मन से अगर पति को अगर गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाना, आपको गुस्सा आए तो पति आप थोड़ी देर के लिए जो गुस्सा नाम के जो दो मिनट का जो समय में जो अगर उनको आप बर्दाश्त कर लोगे, फिर आगे आपका जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं आप सबसे मैं वादा करती हूँ, मैं आप सबके काजल मंगल की, मगर ये गुस्सा जो नाम का जो राक्षस है उसको अपने मन और मस्तिष्क से जड़ से मिटा दो, फिर देख लेना आपकी लाइफ ग्रेट एंड गुड और एक्सलेंस लाइफ होगी। ऑल ऑफ योर काजल मंगलमुखी। चलिए देर होगी, गड़ा गड़ोली देखेंगी। ओके, सनाम के अंदर रोटी फेस्टिवल का जो गड़ा गड़ोली का पहले दिन का प्रोग्राम ही देखेंगे। चलिए।